जो आपने केंद्रीय प्रभाव, सूर्य का केंद्रीय प्रभाव का प्रश्न पूछा है, तो अभी हम जानते हैं कि सूर्यदेव ने 15 जनवरी से मकर राशि में प्रवेश किया है। इसके साथ ही अभी मंगल ने भी अपना राशि परिवर्तन किया है, और मंगल और गुरु जो हैं सूर्य के मित्र हैं, जिसके कारण लगभग 15 जनवरी से 15 फरवरी तक मेष राशि में सूर्य का जो है वह केंद्रीय प्रभाव जागृत होने वाला है या जागृत रहेगा। मेष राशि के ऊपर यह सूर्य का केंद्रीय प्रभाव आ गया है, मंगल का राशि परिवर्तन और मकर राशि में शुक्र मंगल और बुध की युति, यह सब मिलाकर के दो राशियां मेष राशि और कर्क राशि के लिए यह बहुत उत्तम समय उनके लिए बनाया गया है। इन राशियों के ऊपर सूर्य के केंद्रीय प्रभाव का जो है पूर्णतः असर दिखेगा, और मेष राशि और कर्क राशि वाले जातक जो हैं उन जातकों को बहुत सारा लाभ होता दिखाई दे रहा है। मेष राशि के जातकों का लाभ है क्योंकि सूर्य ने केंद्रीय योग भी बनाया है और गुरु मेष राशि में है, तो इस प्रकार गुरु की जो दृष्टि है वह मेष राशि के जातकों के लिए लाभ स्थान पर है, तो उनको आर्थिक रूप से भी लाभ होगा, करियर व्यवसाय में लाभ होगा और मान सम्मान में उनकी वृद्धि होगी। इसी प्रकार जो कर्क राशि के जातक हैं, इनके गोचर में सूर्य जो है सप्तम भाव में गोचर कर रहा है, और इसके साथ गुरु की पंचम दृष्टि भी हो रही है इनके आय भाव पर, लाभ भाव पर, तो इनको भी आर्थिक रूप से लाभ रहेगा, मान सम्मान में वृद्धि रहेगी, साहस पराक्रम में विशेष रूप से वृद्धि रहेगी। तो इस प्रकार यह सूर्य का जो केंद्रीय प्रभाव है वह मेष और कर्क राशि के जातकों की विशेषतः लाभदायक है।